देखिए, बीजेपी का न केवल क्षत्रिय बंधु बल्कि समाज के हर वर्ग में विरोध है, और विरोध के बड़े जायज कारण हैं। लोगों को जरूरत से ज्यादा मैं कह सकता हूँ झूठ बोले हैं बीजेपी के लोग। इतना झूठ बोले हैं कि अब लोग बीजेपी के झूठ को सुनने को तैयार नहीं है, और उसी का परिणाम अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। विरोध आपने सहारनपुर की महापंचायत देखी होगी, पीलीभीत का आप जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा के कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे। तो लगातार बीजेपी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और इसलिए करना पड़ रहा है कि लोगों को गुमराह करके झूठ बोल के वो दो बार दिल्ली की, दो बार यूपी की सरकार बना चुके हैं, और अब लोगों को उनके ऊपर से यकीन उठ गया है। तो स्वाभाविक लोगों में गुस्सा है इस बात का। एनडीए गठबंधन को लेकर के अभी महाराष्ट्र में या कुछ एक और राज्यों में आपसी सहमति नहीं बन पाई है, इसका अरे क्यों तनाव लेते हैं? महाराष्ट्र में बहुत अनुभवी लोग हैं, आलरेडी पवार साहब जैसे वरिष्ठ लोग हैं, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। चले गए, पल्लवी चली गई, ऐसे में क्या लगता है कि जब यूपी में मजबूत रहेगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही तो महापंचायतें चल रही, और पहली सीट सहारनपुर शुरू होती है यूपी की। आप देखिएगा, सहारनपुर से लेके कैराना, मुजफ्फरनगर होते हुए, बिजनौर से होते हुए, और पूरा रुहेलखंड होते हुए, और पूर्वांचल में जब तक चुनाव का चरण आएगा, छठवां और सातवां, तब तक तो मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही होगी। इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो क्या नरेंद्र मोदी जेल में होंगी मीसा वाट देने का? नहीं, वो मीसा जी ने किस सेंस में कहा मैं उस बात पे नहीं जाता, और मैं कभी किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भ्रष्टाचारी लोगों पे कार्रवाई होगी, और भ्रष्टाचारी बहुत लोग हैं बीजेपी के अंदर भी, और तमाम तरीके लोग लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आप लोग सही ढंग से उठा नहीं पाए। लगातार उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिम्मेदार चैनल लोग, कितने बार आपने डिबेट की है इस पर? मिर्जापुर में मजबूत, कितनी बार डिबेट की इलेक्टोरल बॉन्ड पे? बात मजबूत प्रत्याशी की हो रही है, मिर्जापुर की जनता कई दिनों से मांग कर रही थी कि बाहरी प्रत्याशी न हो, मिर्जापुर का ही, कि उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर मौका दिया है, क्या लगता है जनता खुश रही? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो मिर्जापुर की सिटिंग एमपी, ये कहाँ की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? मिर्जापुर के लोगों ने उम्मीदवार के तौर पर आलरेडी फूलन जी को भी यहाँ से जिताया था। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की कितनी तैयारी है समाजवादी? अच्छी तैयारी है, शानदार तैयारी है।